किसी भी देश का बौद्धिक सदाचारक सभ्याचारक आर्थिक समाजिक राजनीतिक विकास उस दी विद्यक प्रणाली ते निर्भर करता है। डंडी जेकर विद्यक खेतर विच उन्नती दी गति तेज है तां देश उन्नी ही तेजी नाल उन्नती करेगा। डंडी जेकर विद्यक उन्नती दी गति धीमी है तां देश दे विकास दी गति भी धीमी चाल वाली हो जाएगी। डंडी स्पष्ट है कि आज समाज दे आर्थिक विकास लई सिक्ख्या मुढ़ली शर्त है। डंडिंग जेकर सिक्ख्या दे खेतर वल सही ढंग नाल ध्यान ना दिता गया तां ए पछड़ेवां आने वाले समय विच पंजाब दे आर्थिक विकास उपर लाजमी तौर ते असर अंदाज होवेगा। डंडिंग पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री वल्लों पंजाब विधानसभा विच ए स्वीकार कीता गया है कि पंजाब विच सैकड़े स्कूल अध्यापकां खुणो हन जिस दे सिट्टे वजों खास तौर ते पेंडू विद्यक प्रबंध अस्त व्यस्त होके रह गया है। डंडिंग आर्थिक विकास हुण ज्ञान आधारित हो गया है। डंडिंग इसलिए घट पढ़े लिखे समाजां ने लाजमी तौर ते आर्थिक तौर ते घट विकसित रह जाना है। डंडिंग असी 21वीं सदी दियां गल्लां करते हाँ। डंडिंग जेकर पंजाब दे लोकां ने अपने आप नूं 21वीं सदी दे हाण दा करना है तां उन्हां नूं विद्यक विज्ञानक अते तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान दे पैदावार वाले कित्यां नूं प्रमुखता प्रदान करनी पवेगी। डंडिंग ज्ञानात्मक कित्यां नाल संबंधित काम पैदा करने लई स्कूल कॉलेज विज्ञानक ते तकनीकी संस्थावां अते यूनिवर्सिटियां विच सुधार साडा प्रमुख निशाना होना चाहिदा है क्योंकि यह 21वीं सदी दियां असल फैक्ट्रियां हन जिन्हां ने आधुनिक सनअतीकरण लई दिशा प्रदान करनी है। डंडिंग सर्वपक्षी दृष्टि तो पंजाब दी आर्थिक नीति अजिही होनी चाहिदी है जिस अधीन पिंड पिंड विच खेती आधारित सनत मौजूद होवे। साडे रहन मावां नूं केवल खेती आर्थिकता नूं ही तरजीह देण तों निरसंदेह बचन दी लोड़ है। धन्यवाद।